सब लोग उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ करनाल ब्लॉगर अमृता। और नाश्ते में हम लोगों ने बनाए आलू के परांठे, तो आप लोग भी खा लीजिए। इधर है दीदी, हेलो। खा लीजिए आप लोग भी। हम भी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या शूट करती हूँ और क्या शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और नाश्ता वगैरह करके फिर मैं आ गई थी छोटी मम्मी जी के यहाँ पे, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो फिर मैं और मम्मी यहाँ पे आ गए थे। खाने की तैयारी तो लगभग हो चुकी थी, बस सर्व करवाया मैंने, पूरियाँ वगैरह सिखवाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी मैं हमारे यहाँ की जो थाली है वो शेयर कर देती हूँ। और उधर गेस्ट बैठे हुए थे तो हमने उधर से थोड़ा सा चुपके से शूट कर लिया, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो बस मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था कि मम्मियाँ उधर बैठी हुई हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे यहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आता है तो आप ये लगा सकते हो कि ये थाली हमारी ट्रेडिशनल ही लगाओ आप। दो सब्जियाँ, जिसमें एक सब्ज़ी पनीर की और एक कोई सी सूखी सब्जी, और मीठा, और क्या कहते हैं, रायता और पूरी चावल, यही सब चीज़ें हमेशा होती हैं। हमेशा कोई भी गेस्ट आए तो ये तो पक्का होता ही होता है। बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं हम लोगों ने थाली लगा रखी थी। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे किस तरीके से मेहमान जब आते हैं तो क्या थाली आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही लगाते हैं? क्योंकि मेरे मायके में इतना नहीं था कि वो पूरी वगैरह का नहीं रखते हैं, यहाँ पे पूरी का ज़्यादा रहता है कि पूरी तो बनेगी, मतलब पूरी तो ज़रूर बनेगी, कोई गेस्ट आया है तो पक्का। और बस मैं यहाँ दीदी से मिलवा रही थी आपको, वो थोड़ा अभी शाय है, कैमरा शाय है, तो मैं भी ज़्यादा मतलब नहीं लेके आती हूँ आगे। और थाली तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे बोलने चाहिए, हमें भी बोल। ले लो। हाँ, पूरियां फूल दिया, हमें भी ले लो। चलो ठीक है।